आपको बता दें महिला अंतर्राष्ट्रीय उत्पीड़न दिवस है आज, और आज एक महिला जो है महिला थाने अपनी शिकायत लेकर पहुंचती है और उसके साथ जो है महिला कांस्टेबल उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। हालांकि आपको बता दें तमाम हिंदू संगठन भी जो है महिला थाने पहुंच चुका है और मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है, महिला भी यहां पर मौजूद है। जानेंगे क्या है पूरा मामला, तो तब भी हम आपकी ये वीडियो वायरल कर देंगे। फिर मैं उसके बाद 2018 में इसने मेरे को अपने घर वापस नहीं जाने दिया और नई नई जगह मुझे रखने लगा 2018 में ये, जैसे कि होटलों में, पीजियों में और फ्लैटों में, और अपने जहाँ भैंस बंधती है बल्लमगढ़ सेक्टर, बल्लमगढ़ में मलेना रोड आदर्श नगर गली नंबर 7 में मुझे एक प्लॉट जहाँ भैंस बंधती है वहाँ भैंस के कमरे में रखने बंद करके रखने लगा। कितने दिन आपको बाहर रखा होगा? मेरे को 1 साल बाहर रखकर जैसे ही मैं बालिक हुई उसने वैसे ही साकेत कोर्ट ले जाके मेरे से कागजों पे साइन करवाए। मैंने उनको पूछा कब शादी करवाया, कब? 2019 में जब मैं बालिक हुई जी। अच्छा। 1 साल तक मुझे ऐसे ही रखा उसने अपने पास। फिर जैसे ही मेरे को साइन करवाए मैंने उनसे पूछा कि किस चीज के साइन है, तो उसने मेरे को बोला कि शादी के। मैंने कहा मैं तो शादी नहीं करना चाहती, तो उन्होंने कहा अगर शादी नहीं करेगी जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। जब मैं मना करने लगी तो उसने मेरे को वीडियो दिखाई और डराया धमकाया मेरे को। लेकिन मैम एक सवाल उठता है कि 2019 में जब ऐसे घटना आपके साथ हुई, आपके परिवार ने क्या पुलिस ने कंप्लेंट किया, कोई शिकायत दर्ज कराई थी? जी सर, उसने शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन उनको पहले कुछ ऐसा पता नहीं था क्योंकि उन्होंने मेरे को चंडीगढ़ हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन दिलवा दी थी जी। प्रोटेक्शन दिलवाया फिर तो आपको आगे थाने में आना चाहिए। माँ बाप को ये बोल दिया गया था कि मेरे को बोलते थे कि ये बता दो कि पीजी में रहती हो आप। जब आप नाबालिग थी तो आपको कहीं रखा गया, फिर बालिग हुई तो आपको साकेत कोर्ट ले गया जी। उसके बाद आपको पता चल गया ना कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गलत सही आपको तो पता होगा जी। तो आपको तो कंप्लेंट करना चाहिए ना नजदीकी थाने में या कहीं पुलिस के पास अवगत कराना चाहिए इस मामले को लेकर। लेकिन वो मेरे को धमकी देते थे सर, मेरे को वीडियो वायरल करने जी। परिवार में तो कोई होगा नहीं, परिवार को भी धमकी देते थे, बड़े बूढ़े माँ बाप है बस, और एक भाई है मेरा जिसकी उनकी मान बल्लमगढ़ में। इतने दिनों बाद आप 2023 खत्म होने जा रहा है, इतने साल बाद आप पुलिस के यहाँ पे थाने महिला में आए, जिला थाने आए, तो आखिर पुलिस की क्या इसमें भूमिका रही कि पुलिस को लेकर आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन धरना धरना दे रहे हो? मेरी यहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, मेरे को घुमाया फिराया जा रहा है। जैसे मैं आप सुबह से बैठी हुई हूँ, मेरे साथ पुलिस प्रशासन ने बदतमीजी की और मेरे को धक्के मारकर भगा। बल्लमगढ़ मलेना रोड थाना है, वहाँ आपने क्यों नहीं शिकायत दर्ज जी? वहाँ शिकायत दर्ज करवाई थी, 2-3 दिन से डोल रहे थे, तो उन्होंने यहाँ से सेक्टर 16 फरीदाबाद भेज दी गए मेरे को। किसने भेजा था आपको? वहाँ जो मैडम है उन्होंने मेरे को बोला था। अच्छा, फिर आप यहाँ महिला थाने सेक्टर 16 पहुँच गए जी? कल से मैं यही हूँ। महिला थाने सेक्टर 16 की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? मैं सर अभी तक यहाँ इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, और बल्कि मेरे को डरा धमका के भगाया जा रहा है। कौन धमका रहा था, कौन भगा रहा था? सर एक महिला थी पुलिस कांस्टेबल जो सिविल वर्दी में थी। क्या मांग कर रहे हो, क्या मांग आपका, क्या यहाँ किस लिए क्या कहना चाहते हैं पुलिस को? मैम एक मिनट, जो आपके साथ लड़का था, जिस लड़के ने आपके साथ गंदी हरकत की, वो कौन है और उसकी शादी हो चुकी है क्या पहले? जी पहले उसकी शादी हो चुकी है, और उसने पहले भी कई लड़कियों हिंदुओं से ऐसी शादी करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया, उनके साथ 2-2 साल रह के उनको छोड़ दिया गया, उनके साथ गलत किया गया, जो कि एक का नाम भावना है और एक का नाम नीलम है, जो कि बलम नहीं, उसने पहले भी कई लोगों का, लड़कियों का, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया, 2-2, 3-3 साल रह के उनके साथ उनको छोड़ दिया, और अब फिर उसने एक और शादी की, और फिर उसके बाद उसने मेरे से मुझे टारगेट बनाया शादी करने का। आपको पता नहीं था कोई शादीशुदा है? जी नहीं पता था ऐसा कुछ भी, क्योंकि वो मुझे लेके धर्म भी तो अगर अलग धर्म में है, आप अलग धर्म के हो, फिर भी आपने शादी करने के लिए चाहे कोर्ट जाने के लिए क्यों तैयार हो गए? सर उन्होंने मेरी जो वीडियो बना रखी थी बार बार वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था मुझे जी। आप पुलिस से क्या मांगे, क्या आप मेरी पुलिस से ये मांगे कि मेरी जो वो मुकदमा दर्ज FIR दर्ज करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस सपोर्ट कर रही है आपकी, नहीं कर रही है? जी अभी तक कोई पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि डरा धमका के मेरे को यहाँ से भगाया जा रहा है। समय आए थे आप, समय बताएं पहले? सुबह 11 बजे समय यहाँ पर, सुबह 11 बजे आप शिकायत लेके आए थे, क्या हुआ था आपके साथ? सर कल से पूरी रात से बिठा के रखा है मुझे कि कल भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, उन्होंने फिर सुबह के लिए बोला, सुबह से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मेरे को एक महिला कांस्टेबल ने डरा धमका के मेरे साथ बदतमीजी करके हाथापाई करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे से कहा कि यहाँ क्या कर रही है, मैंने बोला यहाँ कंप्लेंट करने के लिए, अपने घर से यहाँ से, तो मुझे इस तरीके से धमका के भगाया गया। मैंने कहा मैं कंप्लेंट करने आई, तो किस चीज की कंप्लेंट करने आई? तो मैंने उनको बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे रेप हुआ है मेरे साथ, तो बोलते झूठ बोलते हो, गैंग रेप जानते हो क्या होता है? और वो मेरे से कहते कि तुम खुद करते होंगे अपने मजे के लिए, और फिर तुम हिंदू मुस्लिम करती हो बाद में, भगो यहाँ से। तो मेरे साथ गाली गलौज कर रही है, मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है और धक्के मार के भगा रहा है मेरे को। अच्छा,
पहली बार आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी और लड़के का नाम क्या है, पहले ये बताएं। लड़के के पिता का नाम बदाम खान है और लड़के का नाम आरिफ खान जी। एटीएम काटता जो कि उस पे 25 मुकदमे दर्ज है जी। और पहले नहीं पता था जी? नहीं, मुझे कोई पहले नहीं पता था। मुलाकात कहाँ हुई थी? बल्लमगढ़ गर्ल्स स्कूल में हुई थी जी। गर्ल्स स्कूल में मैं पढ़ाई करती थी, वहाँ मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। पहली बार आपके साथ जब आप बता रहे हैं गैंग रेप किया गया है, उस दौरान क्या हुआ था, क्या ऐसे आपके साथ, ये क्या आपको जानकारी नहीं मिली थी कि मेरे साथ ऐसा शोषण किया जा रहा है? जी नहीं, मेरे को ये झूठ बोल के लेके गया और मेरे को सीधा जंजर होटल में, फरीदाबाद जो कि फरीदाबाद जंजर होटल है नीलम के पास, वहाँ ला के और मेरी कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला के मेरे को, मेरे साथ उस करके मेरी गंदी वीडियो बनाई गई और उसके माध्यम से वो मेरे को हमेशा ब्लैकमेल करता रहा। कितने सालों से आपके साथ ये चल रहा है? 2017 से चल रहा है। फिर अपने घर लाने के बाद भी पूरी फैमिली, उसके जो भैया हैं वो भी, उनके जो दो साले हैं वो भी, तीनों भैया जो कि आज, जिसका नाम, एक का नाम आजाद खान है, दूसरे का नाम इमरान है, तीसरे का नाम सद्दाम है, और उसके दो साले हैं जिनका नाम, एक का नाम टोनी एक का नाम करीमा है, जो कि मेरे साथ ये बिल के सारे गैंग रेप करते थे मेरा घर में, जहाँ की भैंसों का तबेला है गली नंबर 7 में, तबेले के अंदर जो है आपके साथ गैंग रेप जी। मेरे को बंद करके रखा जाता था, जहाँ भैंस होती है वहाँ पे बंद करके रखा जाता था। आपके साथ धर्म परिवर्तन करवाया गया, उस दौरान आपको पता नहीं था साइन जब आपने किए उसे? जी वो मेरे को पता था, लेकिन वो मेरे को वीडियो के माध्यम से मेरे को तरह धमका रहा था, वायरल कह रहा था मैं वायरल कर दूंगा, तो 5 मिनट में ही उन्होंने मेरे को वहाँ से वापस लेके आ गए जी। उम्र कितनी है आपकी, किस समय मिले? जब मैं 2017 में मेरी 16-17 उम्र थी, 16-17 साल उम्र थी, और अब मेरी जो उम्र है 23 साल उम्र है मेरी जी। 2016-17 में 17 साल उम्र जी। उस दौरान आपकी शादी कब की गई थी? 2019 में, जैसे ही मैं बालिग हुई जी। जब आप उससे हमेशा मिलते हैं जी? जब वो मेरे को बुलाता था तभी मुझे आना पड़ता था, फिर आने के बाद जब उसने जब मेरे से शादी की तो मेरे साथ सबके सब मिलके धर्म परिवर्तन करते थे और मेरे को ब्लैकमेल करते थे कि तुम्हें सबके साथ करना पड़ेगा, जबरदस्ती वो मेरे साथ मेरा बलात्कार करते रहे जी। क्या कहना चाहेंगे अब जब आप यहाँ कंप्लेन लेके पहुंचे हो, तो क्या बताया आपको, क्या कहा है? अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। क्या मांग करते हैं? निकाला गया यहाँ से। इससे क्या मांग करते हैं पुलिस से? मैं ये मांग करती हूँ कि मेरी जो कंप्लेंट है उस पे कानूनी कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द, और उन लोगों को उठा के उनको सजा दिया जाए, उनको जेल भेजा जाए। मुझे इंसान, कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 11th में पढ़ती थी उस टाइम में। उस दौरान आपने शिकायत करने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, मैंने कोई शिकायत करने की कोशिश नहीं की थी उस टाइम कोई जी। वो वीडियो के लिए मेरे को डराता धमकाता था बार बार। अच्छा, पहली बार में ही आप ये कह रहे हो जब आपको नशीला पदार्थ खिला दिया गया, जब से उसने मेरी वीडियो नहीं, आपकी वीडियो बना ली गई जी, और उसके बाद आपको ब्लैकमेल और जी जी, और जो कि फिर उसके बाद मेरे एक बच्ची हुई थी 2020 में, उन्होंने वो बच्ची को भी मार दिया गया, 6 महीने की हो गई थी, फिर उसके बाद वो बच्चा बड़ा होने के बाद 6 महीने का हो चुका था, उसके बाद भी मार दिया गया, और 2 बार मेरा जबरदस्ती उन्होंने अबॉर्शन किया, जो कि वो उसकी आरिफ की बहन अंजुम है, वो खुद नर्स है, उन्होंने मेरा जबरदस्ती अपने ही घर पे, जहाँ बहस बनती है वहीं पे मेरा जबरदस्ती उन्होंने मेरा अबॉर्शन किया जी। तो आप 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, आपसे साइन करवा लिए गए, उस वक्त आपने देखा नहीं जी? मैंने देखा ना, मैंने उनसे बोला, लेकिन उन्होंने वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल किया गया जी, और मेरे को परिवार को मारने की भी बार बार धमकी दी जाती थी जी। परिवार में आपने किसी को बताया तो उन्होंने कोई इसमें एक्शन नहीं लिया? सर लेने की कोशिश की, लेकिन ये मेरे को डराता धमकाता, क्योंकि परिवार में बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, बस मेरे माँ बाप वो बहुत बड़े बूढ़े हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, बस एक मेरा भाई है जी। देख सकते हैं, फिलहाल हम आपको बता दें महिला थाना सेंट्रल सेक्टर 16 में मौजूद है, तमाम पुलिस कर्मी यहाँ बाहर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं मौके पर, ये देख सकते हैं महिला ने जो है दरी बिछा ली है, और आज आपको बता दें महिला अंतर्राष्ट्रीय उत्पीड़न दिवस है, और उस दौरान जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं महिला कांस्टेबल पर, कि जब उन्होंने महिला थाने पहुंचकर दरखास्त देने की कोशिश की तो उनके साथ जो है महिला ने, कांस्टेबल ने बदतमीजी की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है, हालांकि दूसरा पक्ष अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी अपना पक्ष रख सकता है, ये देख सकते हैं। कितने दिनों से आप शिकायत लेके इधर उधर घूम रहे हैं? काफी टाइम हो चुका है मैं शिकायत लेके घूमती हूँ, जब भी मैं कंप्लेंट करने की कोशिश करती हूँ तो पुलिस वाले उनके घर पे आने से मना कर देते हैं जी। मैंने काफी बार
112 पे कॉल किए लेकिन उनके घर आने से मना कर देते क्योंकि वो एटीएम का काम करता, उनके पास बहुत पैसा है और वो पुलिस प्रशासन को पैसों के माध्यम से उनको खरीद लेते हैं और उसकी वजह से मेरी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, जो कि मेरे पास प्रूफ भी है उस चीजों का। मैंने जो कि यहाँ पे जो मेरी जिनके पास मेरा केस है मैंने उनको दे दिया गया है और मेरे जो अबॉर्शन के कागज है मैंने वो भी उनको दिए गए हैं जी। जबरदस्ती जो मेरे बच्चे मारे उनके भी मैंने उनको सबूत दिए, उसकी जितने भी केस है 24-25 केस है उसके मैंने उन केसों की लिस्ट दिया और भी उस पर बहुत ज्यादा केस है, मैंने उनकी भी लिस्ट उनको दी गई है जी। और वो जाते नहीं, वो कोई भी पुलिस प्रशासन उनके घर पे नहीं जाता। सिर्फ आप ही के साथ जो है गैंगरेप किया गया है या और भी महिलाओं के साथ? और भी काफी महिलाएं थी, दो महिलाएं जो थी वो एक का नाम भावना था उसको भी धर्म परिवर्तन करवाया था जी। दो महिलाएं थी उनके साथ ऐसे ही किया गया, फिर वो दोबारा उसने उस एक महिला ने तो हिंदू में शादी कर ली दोबारा से 10 साल बाद, और एक ने जो है उसने भी एक मुसलमान से ही दोबारा शादी की है जो कि वो मुसलमान है और दूसरी शादी हो रखी है उसकी। आपका धर्म परिवर्तन आप कह रहे हैं करवाया है, उसके दौरान बाद शादी हुई है आपकी जी? तो शादी करी है उस दौरान आपको पता नहीं लगा कैसे कर ली? जब उन्होंने जैसे शादी की थी ना साकेत कोर्ट में उसने मेरे से साइन करवाए थे उस दौरान मेरे को पता चला कि ये मेरे से शादी कर रहा है तो मैंने मना किया, तो उन्होंने मेरे को मेरी वीडियो दिखा के मेरे को डराया धमकाया कि अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा और माँ बाप को मारने की धमकी देता रहा। कि उसका काम यही काम है क्या उसका? जी उसका यही काम है लड़कियों को टारगेट करना जी, और उसी तवेली में लड़कियों को रखता है वो, इसीलिए उसने वो जो जितने भी एटीएम कार्ड है उनका कोई घर नहीं है, पीछे से रहने वाले खाई के मेवात से ये, लेकिन यहाँ बल्लमगढ़ में रह के वो यही काम करते हैं, एटीएमओ का काम करते हैं और उनके पास कोई काम नहीं, उनके सारे भाई यही काम करते हैं और सारे भाई हिंदू की लड़कियों से पहले शादी करते हैं और उनके साथ रह के फिर उन मुसलमानों से शादी करते हैं जी। कोई कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस उनके घर जाती ही नहीं है। जिस खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।